आप सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के वीर योद्धाओं को सूचित करना चाह रहा हूं कि आप लोग के मामले में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार आज भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी 2 दिन से हो चुकी है, होली के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो सरकार SLP लेके भी नहीं गई है। और आपको मैं बता दूं कि इस बात को इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि जवानों के मामले में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और ये चर्चाएं एक तरह से निराधार है, जिसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। और कुछ लोग इसमें पॉलिटिक्स करने का काम कर रहे हैं। अब पॉलिटिक्स करने का काम जो लोग कर रहे हैं उनको मैं आगाह करता हूँ कि देखिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों के पेंशन के मामले में उन व्यक्ति को पॉलिटिक्स नहीं करना है जिनका कोई मतलब नहीं है पेंशन के मामले में, और वो लोग तमाम केस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चीज़ को मैं इसलिए रख रहा हूँ कि बार बार झूठा मैसेज जो है न्यूज में देकर और सरकार को एक तरह से धमकी देना कि सरकार नहीं देगी तो ये कर देंगे, सरकार नहीं देगी तो वो कर देंगे, ये तमाम चीज़ें गलत है। सरकार सरकार होती है, सरकार के विचारधाराएँ सरकार के तमाम नुमाइंदों की होती है और सरकार के हिसाब से हम चलते हैं। हमारा जब न्यायालय बना है और न्यायालय में जब हम केस को जीत चुके हैं, केस के जजमेंट जवानों के पक्ष में है, तो फिर धमकी देने का क्या मतलब बनता है? तो उन लोगों की वजह से सरकार के मन में जो चल रहा है वो चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। सरकार कभी भी किसी को निगल सकती है जो राष्ट्र विरोधी हो और सरकार विरोधी हो। सरकार का कभी विरोध नहीं करना चाहिए, सरकार जनता के लिए बनी है और जनता के बहुमत से बनती है सरकार। और सरकार पेंशन के मामले में, जवानों के मामले में जब जजमेंट आया है तो देगी। आज तक ये बताइए कि जजमेंट आने के बाद इम्प्लीमेंट भारत में नहीं हुआ हो, ये चीज कोई साबित करके दिखाए तो मैं गुलामी कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और वो लोग तुष्टिकरण कर रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं पेंशन के मामले में, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। तमाम जवानों से कहूंगा, इन लोगों से आप लोग सतर्क रहें, ऐसे लोगों के वीडियो, ऐसे लोगों की न्यूज कभी भी आप किसी ग्रुप में ना डालें जो सरकार के विरोधी हों। हमें सरकार से हक लेना है तो न्याय ढंग न्यायप्रिय बन के हमने लिया है और लेने का काम करेंगे। जो उचित है, संवैधानिक है, उस हिसाब से लेने का काम किया जाएगा। सरकार कोर्ट जाएगी तो हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से जीत लेके आएंगे और लागू कराएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास आप लोगों के बीच में जो है डंकी की चोट पर रख रहा हूँ, ये विश्वास के साथ रख रहा हूँ। इसको पूरे भारतवर्ष के जवानों के पास भेज दीजिएगा तथा तमाम जवानों से मैं आग्रह करूंगा, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने 3 दोस्तों के पास वीडियो को जरूर भेजिएगा कि जवान संतुष्ट रहें, उनके लड़ाई उनके मानसिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए ढंग से लड़ा जा रहा है और लड़ते रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद।